सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सोच को अपने ले आओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस सांस से कि तूफान भी झुक जाए। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा देगा। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। आज का पंचांग 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 2:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:52 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। धनु राशि 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आप आज ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसे कि उनमें खुद में कोई कमियां नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं और उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना रोजमर्रा की तनाव से मुक्ति पाने का उत्तम साधन है। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीद बिक्री की कोई योजना बन रही है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। आज जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार फल मिलेगा। किसी व्यक्ति के साथ नाराजगी महसूस होगी, हर बात को सिर्फ अपने नजरिए से देखने की वजह से खुद की गलतियां नजर नहीं आएगी। ध्यान रखें कि जितने आपके लिए विचार महत्वपूर्ण है उसी तरह दूसरों के विचार भी महत्वपूर्ण है। काम की गति अहंकार बढ़ा सकती है, सहकर्मियों के शांत विवाद से बचें। पार्टनर से मिली प्रशंसा आपको खुश करेगी। शरीर में विटामिन की कमी दूर करने की कोशिश करते रहें। सावधानियां, कहीं भी हस्ताक्षर या पेपर संबंधित कोई भी कार्य करते समय बहुत अधिक सावधान रहें। आपकी जरा सी लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है। आर्थिक गतिविधियां भी मंद रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना अति आवश्यक है। आज अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिसे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। साझेदारी से जुड़े बिजनेस में पारदर्शिता रखना जरूरी है। छोटी सी गलती बहुत गलत फहमियां पैदा कर सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह मानना फायदेमंद साबित होगा। बात करते हैं सेहत की। दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटों का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायामों में करना ना भूलें। शाम तक छोटी छोटी समस्याएं विशेषकर दांतों से उभर सकती हैं। इससे बचने के लिए लोकप्रिय घरेलू नुस्खे अजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी
समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बनाए रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। खाने में अधिक मीठे से बचें। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।